फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि मैट्रिक और इंटर में कितना नंबर लाए कि पास हो जाए, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 30 नंबर और बहुत सारे लोग कह रहे थे 33 नंबर। तो आज मैं इस पे जो है सो पूरी की तरीके से जो है सो अच्छा से आप लोग को समझाने वाला हूँ कि कितना नंबर लाइएगा तो आप पास कर जाइएगा। और ये वीडियो जो है सो 12th और 10th दोनों के लिए है। तो चलते हैं और देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि पहले मैं लिया हूँ क्लास 12th को, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें क्या था कि कुछ सब्जेक्ट जो थे वो प्रैक्टिकल वाले थे और जो और कुछ सब्जेक्ट थे तो बिना प्रैक्टिकल वाले थे। तो दोनों में अलग अलग नियम इस बार लगाया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इसको समझते हैं। तो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट जो भी है उसमें टोटल 70 नंबर था, तो जिसमें ऑब्जेक्टिव 35 थे और सब्जेक्टिव भी 35 थे। तो यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा जान लीजिए कि जो भी लोग जो है सो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट लिए हुए थे तो उनमें उनको जो है सो क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन मार्क्स क्या था, ऑब्जेक्टिव में 35 का ही आंसर करना था और सब्जेक्टिव में भी 35 का करना था। तो इस वाले में जो भी लोग जो एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें से क्या है कि जो भी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होगा उसमें 33% लाना है। तो 35 का आपका 33% आएगा 11.55, और इसका भी उतना ही आएगा। तो क्या कर लिया गया है, हमने जो है सो अराउंड ले लिए हैं 11.55 का 12। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों को जोड़ने पे आपका आना चाहिए 20, और जो है सो अराउंड 12 नंबर, यानी कि कहा जा रहा है कि 24 नंबर आना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल में आप लोग कभी कर रहे हैं, आप लोग का जो सो 30 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ था, तो जिसमें से जो है सो आपका जो है सो 33% जो होगा वो आपका होगा अराउंड 10%, 10% कुछ है, लेकिन मैंने उसको क्या कर लिया है कि अराउंड 10% में उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, 23 आपको लाना है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके, और उसके बाद प्रैक्टिकल में अगर आपका 10 नंबर आ जाता है तो आपके 33% हो जाते हैं। तो क्लियर है यहाँ पर कि 33% आप लोग का क्या लाना है प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में। और उसके बाद यहाँ पर देख, बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में 100 नंबर का है और इसमें क्या होता है, पासिंग मार्क्स आप लोग का 30% ही इसमें नॉलेज है, यानी कि आप अगर 100 नंबर का अगर गणित का अगर परीक्षा दिए हैं साइंस में तो आप लोग को उसमें से सिर्फ 30 नंबर लाना है तो आप पास कर जाएंगे, सब्जेक्टिव में आ जाए चाहे ऑब्जेक्टिव में। तो चलते हैं, आप देखते हैं 10th वाले के लिए। तो 10th वाला यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसमें जो है इसमें भी दो तरह के जो है सो सब्जेक्ट थे, एक प्रैक्टिकल वाले या दूसरा थे बिना प्रैक्टिकल वाले। तो पहला यहाँ पे देखिएगा कि इसमें टोटल मार्क्स जो था वो 80 था, जिसमें ऑब्जेक्टिव 40 था और सब्जेक्टिव भी 40 था। तो 40 का आप अगर 33% निकालिएगा तो आपका आएगा 13.2, यानी तो अगर अप्रोक्स ले लिया जाए तो 13 नंबर। उसी तरह से यहाँ भी 13, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो 26 आएगा। तो यहाँ पे करने का मतलब हो गया कि 80 नंबर में से आपको 26 नंबर लाना है। उसके बाद प्रैक्टिकल में आप लोग को जो है सो 6.6 नंबर लाना है, यानी अराउंड 7 नंबर। तो ये 26 और ये 7 दोनों को हमने यहाँ पे ऐड किया तो कितना आ गया आपका 33%। तो 33% आप लोग इसमें भी लाइएगा क्लास 10th के प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट यानी साइंस और सोशल साइंस में, तो आप लोग जो है सो उसमें पास कर जाइएगा। बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट जो कि 100 नंबर का होगा उसका पासिंग मार्क्स जो होगा सो वो आपका 30 नंबर ही होगा। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उसमें ही 33% लाना है, अब बाकी जो बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है उसमें 30% भी आता है तो भी आप पास होंगे। और आप लोगों के लिए कुछ ग्रेस मार्क्स भी दिया जा रहा है, वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए आगे लेकर के आऊँगा कि कितना आप लोग को ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है जो कि क्वेश्चंस के गलत होने की वजह से है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।